एक जो 11th 12th का बच्चा है जिसको मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं आता, अब वो बताता है कि एक एमएससी होल्डर या आपके पास क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो जज कर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है ललित सर, ललित एलकेमी कंसल्टेंसी के फाउंडर संस्थापक, जो टीचर्स की कैरियर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए स्टार्ट की गई है इनके द्वारा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ललित एलकेमी कंसल्टेंसी का आइडिया आपके से पास आया अल्केमी जो कहाँ? है एक ओरिजिनेटेड वर्ड है केमिस्ट्री का, जी और ये जस्ट ऐसे कंसल्टेंसी का ऐसा मतलब था कि भाई चलो ठीक है कि मैंने भी फेस किया है इन फ्यूचर या इन बहुत सारे पास्ट, कि मैं मैंने रिज्यूम देखा लेके है। गया स्कूल में गया तो जॉब का लैक ऑफ, जैसे एक तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस की जी कमी मेरे थी, ये भी था कि जॉब की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो ये था कि कोई ना तो देता, बोलते थे कि हाँ आज दे देंगे कल नहीं देंगे, रेज्यूमे लेके जाता है इधर नेगेशन इधर नेगेशन, हर जगह से रिजेक्ट 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 ये रहता था। तो अब हाल फिलहाल मेरे को 10-12 साल हो गए इस एजुकेशन सेक्टर आज में, मैं आज फुल मैं में फुल जी सेटल्ड हूँ, कोई ऐसे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बस उन्हीं प्रॉब्लम को आगे वाली जनरेशन फेस ना करे तो उनके लिए हमने सोचा थोड़ा सा चलो ऐसा है कि हम एक थोड़ा सा एक शुरुआत इनिशिएटिव दे दें, हेल्प कर दें लोगों की कि चलो ठीक है जिनका नहीं हो पा रहा उनका एक हम जरिया बन जाए, इसलिए हमने सोचा कि चलो एक कंसल्टेंसी की फॉर्म में हम इनको शुरुआत करते हैं। फिर सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पास्ट में आपने टीचर्स की इस फील्ड में किस तरह हेल्प की? हाँ, इससे प्रीवियस भी ऐसा है कि अब यह हो गया कि इस एरिया में पढ़ाते पढ़ाते करीब करीब 12-13 साल हो गए मुझे, और ऐसा नहीं है कि छोटे बड़े स्कूल से अच्छा है कि बहुत ही मतलब लाइजन है, बढ़िया लाइजन है मेरे, और लाइजन में भी कह सकते हैं कि अच्छी ट्यूनिंग बनी हुई है टीचरों से स्कूल ऑनर से, तो वो भी कई बार मेरे से पूछते रहते हैं कि सर ऐसा है कि आप अगर कोई अच्छा टीचर है तो हमें बताइए, तो जब फिर यह है कि आप बताया भी हैं 1-2 साल में कोई भी ऐसा हुआ है कि हमारे थ्रू गए भी हैं जाके, अगर मिलते हैं और प्रिंसिपल से ऑनर से कहते हैं ठीक है सर आपने अच्छा टीचर दिया हमें हमारा अच्छा चल रहा है, तो इसीलिए था कि अब बहुत सारे फेज भी आप ऐसे फेज भी आए थे जहां हम भेज रहे थे पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, टीचर्स भी ऐसे कह रहे थे कि सर हम गए हैं इंटरव्यू देखा है डेमो दिया है, बट वहाँ से आ जाता है कि ठीक है कॉल करेंगे, अब उनको देखते हुए फिर यह रहता है कि ठीक है चलो अब हम उन टीचर्स को ट्रेंड भी करते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं उनके लिए किस लिए, क्योंकि एक देखो अच्छा टीचर बनने में एटलीस्ट 5 साल तो लग ही जाते हैं, जी जी और उन 5 साल को और आज की जनरेशन है वो इतना जो कहते हैं ना लार्ज गैप को फुलफिल नहीं कर पाती, नहीं कर उनको पाते। चाहिए कि भाई इंस्टेंट जॉब इंस्टेंट सक्सेस वो पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा ऐसा कुछ बनाया जाए ऐसा कुछ दिया जाए, अब ये इनिशिएटिव है अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो देखो बिल्कुल, आगे क्या अखबारों होता में है। न्यूज़पेपर्स में एड्स आती हैं तो लोग पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि आपकी कंसल्टेंसी कैसे डिफरेंस है, आप और लोगों से न्यूज़पेपर ऐड से कैसे डिफरेंटली आप हमें प्रोवाइड कर पाएंगे, क्या सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे डिफरेंटली? नहीं एक्चुअल में क्या है कि स्कूल जो है स्कूल में वैकेंसी होती है एटलीस्ट मान लीजिए 3 टीचर की 4 टीचर की 5 टीचर की, स्टाफ एक मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है 5 टीचर की, पर स्कूल पूरे स्कूल में जैसे कहते हैं ना ऑल सब्जेक्ट के इंटरव्यू करवाते हैं, अब वहाँ पर बल्क में जाते हैं लोग, आप भी जाओगे मैं भी जाऊँगा अच्छा भी जाएगा बुरा भी जाएगा, अब रेज्यूमे का ढेर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि रेज्यूमे आपने इतनी इकट्ठी कर ली आप उसी में खुद नहीं जज्ब कर पाओगे, फिर ऐसा नहीं है कि भाई किसी टीचर के अगर 30 में से 20 नंबर आ रहे हैं तो अच्छा ही होगा, जी क्योंकि मार्क्स एक अलग क्राइटेरिया है बोर्ड रिप्रेजेंटेशन अलग क्राइटेरिया है, मार्क्स आना एक अच्छी बात है ठीक है एक टीचर की आप एबिलिटी चेक कर रहे हो कि भाई उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं, और जब वो बोर्ड परफॉर्मेंस देगा तो ये है कि बच्चे को डिलीवर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है आप IIT से पास आउट हो कहीं से पास आउट है डजंट मीन, मेन बात है कि आप जो आपको कंटेंट है आता है क्या वो बच्चे के पास डिलीवर हो रहा है, अगर डिलीवर नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है आपका IIT PMT मेरे किसी काम का नहीं है, अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे तो उसका फिर करना क्या, तो ये चीज़ तो मुझे चाहिए कि भाई अच्छा है अच्छा कंटेंट मिलेगा तो फिर हम आगे और प्रोवाइड करेंगे लोगों को कि भाई ठीक। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपकी, अगर इस तरह की कोई कंसल्टेंसी आपके समय में होती तो आपके कैरियर ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता, कहीं बहुत ही ऊंचाइयों पे होता या क्या डिफरेंस होता आपके कैरियर ग्रोथ में? नहीं ऑब्वियस सी बात है तो कि एक्सपोजर का तो बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर आपको अच्छा मिल जाएगा तो यह है कि जो आपका एक स्ट्रगल टाइम होता है वो एटलीस्ट कम हो जाता है, क्योंकि जो अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई एक लेगेसी कोई हमें दे के गया था तो लेगेसी इन द सेंस है क्या कि भाई जो मेहनत मुझे करनी पड़ी वो एटलीस्ट आपको ना करनी पड़े,
ये एक मेन फैक्टर था किस चीज़ को स्टार्ट करने का, जो प्रॉब्लम जनरली लोगों को फेस करनी पड़ी है इन टीचिंग में। अब जैसे है कि ठीक, चलो ठीक है, हम तो स्कूल कम्युनिटी से हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग कम्युनिटी से भी है, आज जो सैलरी नॉर्मल एक लोग ले रहे हैं वो एक नया 20-22 साल 25 साल का लड़का भी ले रहा है, तो वो सिर्फ क्या है, वो एक कॉन्फिडेंस है, उसको एक एक्सपोजर अच्छा मिला है, और एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा, तो सक्सेस तो ऑब्वियस ही बात है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कोई फ्रेशर आता है या IIT से पास आउट हो, NIT से पास आउट हो, तो वो आपकी कंसल्टेंसी के थ्रू स्कूल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि जो MSc पास आउट जो है, जो भी बच्चा है, एक्चुअली हमारे पास मेन क्राइटेरिया होता है 11th-12th का या 6th-10th का, तो डिपेंड करता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IIT से पास आउट हैं, जो आपने DU से MSc है या MDU से है, राजस्थान से है, कहीं से भी है, तो वो जैसे आते हैं तो कई बार हमसे ही कहते हैं कि चलो सर ऐसा है कि हम ना केमिस्ट्री पढ़ा लेंगे या साइंस पढ़ा लेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है आप 11th-12th ट्राई करो, बोलते नहीं सर हम तो 9th-10th पढ़ा लेंगे या हम 6th-8th पढ़ा लेंगे। तो वहाँ देखते हैं कि जो बच्चा MSc कर चुका है, एक मास्टर है सब्जेक्ट में, और वो 9th-10th में या 8th में रिकमेंड करता है, तो वहाँ थोड़ा सा लगता है कि भाई या तो मतलब इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है कहते हैं, या सब्जेक्ट नॉलेज, कि दो चीज़ों को रखते हैं। अगर दोनों का कम्बिनेशन अच्छा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, और दोनों में से किसी एक की भी कमी है तो 100% वो ग्रो नहीं कर सकता। फिर नेगेशन तो यानी उसको कोई भी आपके पास ऐसा नहीं है कि जो उसको रखेगा या कुछ ऐसा है, छोड़ देगा उसको, नहीं लेगा उसको। तो सर मेरा अब क्वेश्चन होगा कि जैसे कोटा शहर है, फेमस है, एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर वहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, वहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, FDP होता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सर आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हमारे पास स्ट्रेटेजी है कि भाई फ्रेशर्स को एक्सपर्ट कैसे बनाया जाए? DP आपने जैसे ये बोला, तो इसमें एक्चुअल में क्या कि अब जो बच्चा MSc करके आता है वो इधर से BEd भी करता है, BEd भी यही सिखाते हैं, मतलब एटलीस्ट क्या है कि एटलीस्ट एक टीचर MSc पास आउट होके आया है तो वो बोर्ड पे तो खड़ा होगा, अब वहाँ पर आप उसको किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि भाई एक अच्छा टीचर बनने के लिए एटलीस्ट उसको 5 साल चाहिए। अब वो कहता है कि भाई मेरे को कोचिंग में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो सबसे पहली बात है जो भी मॉड्यूल है, जो भी सब्जेक्ट है, अगर उसका पूरी तरह से गो थ्रू नहीं है 1 साल में 2 साल में 3 साल में, तब तक वो कर क्या सकता है, यानी उसको कुछ तो पता होना चाहिए। अब उसको कुछ भी नहीं पता तो वो तो उस चीज़ को सक्सेस कर ही नहीं पाएगा। और यहाँ तो लगभग ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ऐसे कहते हैं कि टीचर टीचिंग, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है लोगों के लिए लास्ट ऑप्शन होता है। कोई पैशनेट फॉर्म में अगर आता है ना कि भाई मेरे को मैं तो टीचिंग के लिए ही बनाऊँ, वो तो ये लगा लीजिए बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। और जिनको यह है कि भाई मेरे को यहाँ जॉब नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फाइनली चलो ठीक है यार टीचिंग कर लेते हैं, ये बेस्ट होगा। और आज की डेट में जैसे ऐसा हो भी रहा है कि अपने हरियाणा साइड में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे टीचिंग कम्युनिटी की तो एक जैसे बाढ़ आ गई है कि जिसको कुछ नहीं आता चलो भी टीचर बन जाते हैं। और फिर वहाँ आता है कि अगर अच्छा टीचर बनना है तो देखिए उसमें आपको आना भी पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, आपका एक डिलीवर रेट भी अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ अच्छा होना चाहिए, तभी आपको बच्चा पसंद करेगा। और आज बच्चे की पसंद है टीचर, आप ऑनर की पसंद से या ऐसे नहीं जा सकते कि भाई टीचिंग आपको ये दे देगी, ऐसे कुछ नहीं है। तो सर आप 2009 से एज ए टीचर काम कर रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, तो सर क्या क्या चेंजेस आए हैं टीचिंग फील्ड में और आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं उनके बारे में बताइए। और सर एज ए टीचर मैं ये पूछना चाहूँगा आपका, यू आर ए टीचर विद ड्यू टू सर्कमस्टांसिस और बाई चॉइस? चॉइस वगैरह कुछ नहीं थी हमारी, ये तो बी फ्रैंक कि हमारी चॉइस नहीं थी, हर किसी का एक एम होता है, हर कोई बच्चा, अब भी आप 11th-12th में जाओगे, 1st ईयर 2nd ईयर फाइनल ईयर, तो हर सबका एक विज़न होता है कि भाई मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। हम तो एक्सीडेंटली है कि भाई हाँ ठीक है चलो ये नहीं हुआ तो ये कर लें, ये नहीं हुआ तो ये कर लें, क्योंकि सबको सक्सेस चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्यूअर्स बहुत ही वेट कर रहे होंगे इसका कि सर आपकी इंस्पिरेशन क्या थी टीचिंग सेक्टर में आने के लिए? जैसे टीचर बनने के लिए तो जैसे है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ते थे, अब तो जैसे वो रहे नहीं, ML रुस्की सर थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उन जैसे शख्सियत रिवाड़ी में कहीं नहीं रही। उन टीच उन्होंने मेरे को इतना सिखाया जो मतलब ता ज़िंदगी अगर मेरे को लग जाए ना तो मैं सीख नहीं सकता। और उन्होंने इतना इंस्पायर किया, उन्होंने बस मेरे को एक चीज़ कहा, आप काम कर लो चाहे कुछ भी करो पर दिल से करो, वो चीज़ आपको 100% सक्सेस देगी, वो फिर चाहे टीचिंग हो चाहे बिजनेस हो। वो मुझसे कहते थे कि अगर आप पैशनेट फॉर्म में करना चाहते हो तो बेसिक आप टीचिंग कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते, आप सोचते हो पैसा कमाना है इसमें, तो फिर आप बिजनेसमैन, वो टीचर नहीं कहला सकता, वो फिर एज ए सिर्फ बिजनेसमैन होगा।
उसमें फिर चाहे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ चाहे मैं कुछ भी करूँ, क्योंकि मैं देखता था वो आरएसएस के थे खुद भी और खुद ट्यूशन पढ़ाते थे, तो कई बार लोग कह देते थे उनसे कि देखो आरएसएस का है ट्यूशन पढ़ाता है, तो हमेशा मेरे को याद है हमेशा कहते थे कि भाई मैं मेहनताना लेता हूँ अपना, कि मैंने जो दिया है मैं उसका मेहनताना ले रहा हूँ, मैं अपनी शिक्षा को बेच नहीं रहा। तो दिस इज़ कहते ना कि पैशन है प्रोफेशन नहीं है, तो अब लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया तो ये ठीक है कि भाई, पर उस हिसाब से एक सक्सेस रेट होना चाहिए जो जो एक डेवलपमेंट का, जैसे कि हम लोग करते रहते हैं कि डेवलप नहीं है, डेवलप कंट्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन में दब गई है। लोग आ तो गए इस लाइन में पर जो देना चाहिए वो दे ही नहीं पा रहे। सर, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आज के टाइम में टीचर के लिए सबसे बड़ा जो बोला जाए कि बर्डन या फिर काम, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने के अलावा और क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनमें, वो पूछना चाहता हूँ सर मैं। नहीं देखिए, इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कोई भी, अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे आते हैं और भी टीचर हैं जिनके लाख लाख, दो दो लाख, तीन तीन लाख, चार चार लाख रुपए सैलरी है। अब प्रेशर आता है तो सोचता है कि एटलीस्ट मेरी भी इतनी सैलरी होनी चाहिए, पर वो उनका स्ट्रगल नहीं देखता कि उनको वहाँ तक पहुँचने में 20 साल लग गए और वो अभी फ्रेश ही पढ़ के आया है, और पढ़ के आ रहे हैं सोचता है कि भाई मेरे को भी 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख मिले। तो एक्चुअल में क्या है कि या तो उसको उतना उसमें जो पोटेंशियल होना चाहिए उतना वो सीख गया, क्योंकि वो देखो वो सीखा है पढ़ पढ़ के, उन्होंने पढ़ा है, मेहनत की है, सीखा है, सीखा है, डे बाय डे उन्होंने सीखा है। अब एक्चुअल में क्या है, जो बच्चा आईआईटी से आ रहा है उसके पास ऑलरेडी एक्सपोजर है, उसके पास कंटेंट तो पूरा है, जो उसको जैसे जो उन्होंने 5 साल में सीखा वो ऑलरेडी सीख के आ रहा है, तो कंटेंट को सीखने में तो उनको टाइम नहीं लगेगा, बट एक्चुअल में डिलीवर करने में तो टाइम लगेगा। जो क्योंकि एक्सपीरियंस को हम नॉलेज से कवर नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक्सपीरियंस को हम सोचेंगे भी नॉलेज से, नॉलेज एक अलग मैटर है, एक्सपीरियंस एक अलग मैटर है, डिलीवर करना एक अलग मैटर है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो हमारे पास ही आते हैं, आईआईटी से पास आउट हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं, डेमो लेते हैं, हम भी सोचते हैं कि यार क्या पूछेंगे इनसे, फिर भी एक रहता है कि चलो ठीक है, बट वहाँ देखते हैं कि जो एक आता है ना कि डिलीवर करने का, कि भाई आप किस तरह से डिलीवर कर सकते हो, वो कुछ ही बच्चों में मिलता है, और जैसे जिनमें मिलता है वो सक्सेस भी है, वो आज अच्छा पे भी कर रहे हैं, अच्छा ले भी रहे हैं और अच्छी जगह सेट भी हैं। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि भाई फ्रेशर है वो नहीं कर सकता, या आपके पास उनके लिए सिर्फ तीन चीज़ें ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन, सब्जेक्ट नॉलेज, और दूसरा डिलीवर रेट। कि डिलीवर रेट आपका बोर्ड रिप्रेजेंटेशन या बोर्ड प्रेजेंटेशन है वो आपका वेल गुड होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे या बच्चे तक पहुँच नहीं पा रहे। अगर आप अपनी बात बच्चे तक नहीं पहुँचा सकते तो फिर मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है आप टीचिंग करो, आपके लिए और भी प्रोफेशन है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो टीचिंग एक कहते हैं ना कि बड़ी रेस्पेक्टफुल जॉब है, नोबल और मतलब प्रोफेशन सर। हाँ मतलब ये है कि आप कुछ नहीं तो एक लोगों का जीवन बना रहे हैं। हम खुद सोचते थे, अब लोग कह देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो ये बिजनेस है, मैं कहता हूँ कि भाई आपको जो कितने नेता हैं सब कहेंगे हम ये कर देंगे देश के लिए, हम ये कर देंगे, बट मैं कहता हूँ कि टीचर है, हर तरह के बच्चे हैं समाज में, गरीब भी है, अमीर भी है, सब है। मैं कहता हूँ कि आप एक गरीब परिवार का सिर्फ़ एक बच्चा पढ़ा दो, सिर्फ एक बच्चा, एक उसको सक्सेस बना दो, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ सक्सेस रहेंगी। आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बस अच्छे से पढ़ा दो, आप उसको एक विज़न क्लियर कर दो, एक विज़न दे दो कि बेटा तेरे को ये बनना है, वो बन जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, पर उसका यह है कि उसके आने वाले जितनी भी पीढ़ी होंगी वो सक्सेस हो जाएंगी, आपका समाज अपने आप सुधर जाएगा। तो सर मानिए जैसे कि किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, कोई फर्स्ट बेंच पे बैठा है, फर्स्ट बेंचर बच्चा है, कोई लास्ट बेंच पे बैठा है, लास्ट बेंचर बच्चा है, तो सर ऐसे कैसे मैनेज किया जाए कि सब बच्चे का रिएक्शन टाइम अलग अलग है, तो सबके वो डिलीवर की जाए बात, ऐसा क्या किया जाए, आप इसको कैसे मैनेज करते हैं सर? क्या कि मेरे को लगभग लगभग 12-13 साल हो गए, मैंने खूब ट्यूशन पढ़ाए हैं, खूब अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाए हैं, और खूब अच्छे बच्चे भी पढ़ाए हैं, बुरे भी पढ़ाए हैं, नालायक भी पढ़ाए हैं, फेल भी हुए हैं, पास भी हुए हैं, सारे टाइप के बच्चे हमारे पास रहे हैं। अब उनमें अगर हम बात करें कि भाई किस तक कैसे पहुँच जाए, तो ये एक्चुअल में क्या है कि एक्सपेरिमेंट, देखो पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, एक क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, हर लेवल का, वो हो सकता है कि उस चीज़ को अच्छे तरह से पिक भी कर ले, और हो सकता है कि जो पीछे बैठा हुआ बच्चा है, तो सबसे पहले सबसे मेन जो आपका रोल होता है ना वो होता है कि क्लास कनेक्टिविटी का, कि आप एक्चुअल में क्लास को किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो अपने थ्रू। अगर आप, क्योंकि देखिए जब क्लास में घुसेंगे तो एक बच्चा है वो आपकी बात क्यों सुनेगा, हो सकता है कि भाई आपने 40 बच्चे 60 बच्चे का एक रेशो लिया है, कि हो सकता है उसमें से 20 बच्चे आपकी बात सुन रहे हो, 40 नहीं सुन रहे हो सकता है कि उनका ध्यान और कहीं हो। तो जिस फ्रेम में आप उसको वो चीज़ समझाना चाह रहे हैं तो क्या पता उसके माइंड तक वो पहुंचा भी या ना पहुंचा। तो सबसे मेन रोल आता है वहाँ कनेक्टिविटी का,
कि आप, मैं भी क्लास में जाता हूँ, मैं जाते ही क्लास में पढ़ाने नहीं लग जाता कि गया जाके चौक उठा के पढ़ाने लग गया, कभी भी नहीं होता। मुझे 5 से 7 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं उसको इंटरेक्ट करने के लिए कि हाल फिलहाल जो बच्चा भी 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के बैठा है, अब वो मेरी बात क्यों सुनेगा, मैं ऐसा क्या दे दूँगा कि जो मेरी बात सुनेगा, तो मेरे को उनसे इंटरेक्ट होना पड़ेगा। अगर इंटरेक्ट होगा तो ही वो तो मेरी बात सुनेगा, अदरवाइज़ नहीं सुनेगा। अब मैं बच्चा है, आप क्या पता वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, एक बारे में क्या पता उस बात को समझ पाएगा भी नहीं समझ पाएगा। तो मेरे को उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई आप अगर एक बारे में नहीं कर पा रहे तो आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ये पेशेंस का काम है। जबकि एक जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो इतना पेशेंस नहीं रख पाता, वो सोचता है कि यार 2 दूनी 4 या 2 और 2 4, भाई ये तो सिंपल सी बात है, ये इसके क्यों समझ में नहीं आ रही। अब ये बात वो तो इसको लिए तो ईजी लग रही है, पर हो सकता है कि उस समय उसका माइंड यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों को लेके। और ठीक है, हर तरह के बच्चे होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से डिलीवर करा रहे हो। इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं कि आपको धीरे धीरे सीखा जा सकता है। एक दिन में तो मुझे भी नहीं पता चला कि क्या होता है क्या नहीं होता, धीरे धीरे होगा आगे, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो सर मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो टीचर के कैरियर ग्रोथ को बढ़ाने में काम आएंगी। टीचिंग कंसल्टेंसी का बस एक माइंड में क्लिक किया कि जैसे अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये काम कर रही हैं, एक्चुअल में पूरे अपने ऑल इंडिया ये चीज़ें हैं, चल रही है। और अब हमारा मेन मोटिव पता है क्या है एक्चुअल में, कि अब जैसे आप कह रहे हैं जो फ्रेशर होगा उनके लिए आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से नहीं, या क्या ऐसे चार्जेस होंगे क्या नहीं होंगे। एक्चुअल में क्या है कि अभी देखिए हम छोटे से एरिया में रह रहे हैं, मैं रिवाड़ी में हूँ, हरियाणा का है। अब हरियाणा में हम भी जितना कवर पाते हैं हम सिर्फ 50 किलोमीटर का एक रेडियस कवर कर पा रहे हैं। अब हमने जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका इसलिए यूज़ किया है कि हम चाहते हैं कि इसको पूरे देश भर में फैलाया जाए। अब वो किस तरह से, वो ऐसा होता है कि आप कि एक दूसरे की मदद करके ही फैल सकता है, ऐसे नहीं कि मैं अगर किसी के लिए जा रहा हूँ तो मैं बेंगलोर चला गया या आपके पास इंदौर चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पर यह है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए से हम लोग इसमें जा सकते हैं। तो हमारा मेन मोटा था कि पहले हम सराउंडिंग के 50 किलोमीटर के एरिया को कवर करें कि हर तरह से यहाँ पर जो भी स्कूल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट है या कोचिंग है, जो भी है, इनसे डील करें। फिर जिन भी टीचर्स को रिक्वायरमेंट है, एक जैसे टीचर्स है इधर उधर भागना पड़ता है, 10 जगह जाएगा तो एक जगह उसको बुलाएंगे, लेते हैं नहीं लेते हैं, तो हम हर कमियों पे काम करना चाहते हैं। भाई जो एक्सपीरियंस टीचर है वो आप लगा लो 10 में से 2 हैं, वो जाते हैं तो अगर मान लें वो जा रहे हैं तो उनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, तो वो ऑलरेडी पता है उनको भाई अच्छा टीचर है, तो सीधा वो लोग कहते हैं कि ठीक है सर आप आइए हम आपको इतना पे करेंगे। बट उसी केस के लिए अगर कोई फ्रेशर जा रहा है तो वो कहते हैं नहीं ठीक है सर हम बुलाएंगे आपको, ठीक है कल कॉल करेंगे परसों, और बहुत ही ज़्यादा नीड होती है तो उनको डेमो करवा देते हैं। डेमो में भी ये होता है कि अब ये हमारा दुर्भाग्य है, अब इसको मैं क्या कहूँ, सोच नहीं सकते हैं कि भाई एक बच्चा सेलेक्ट करता है टीचर को, कि एक जो 11th 12th का बच्चा है जिसको मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं आता, अब वो बताता है कि एक MSc होल्डर या आपके पास क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो जज करता है। तो ये चलो ठीक है, अभी होना भी चाहिए क्योंकि देखो बच्चा ही समझेगा, बच्चा ही पढ़ेगा, तो उसमें हम कह भी सकते हैं कि चलो एक बात तक ठीक भी है। पर अगर मैं फ्रेशर की बात करता हूँ तो हमने यही, हमारा एक प्लान था कि भाई जो भी टीचर नए फ्रेशर आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पहले उनसे यही कंसल्ट करेंगे कि भाई आप कितनी बार तो रेज्यूमे दे चुके हो, अपलोड कर चुके हो, कितनी बार डेमो दे चुके हो, फिर भी आपका नहीं हो पा रहा तो आपकी खामियां क्या है, वो टीचिंग में है या आपकी प्रेजेंटेशन में है या लैक ऑफ नॉलेज है क्या है, तो उन पे थोड़ा सा हम पूछ के एक सेमिनार टाइप में रखना चाहते हैं कि भाई एक सेमिनार रखें, जो भी नए फ्रेशर हैं 8, 10, 20, 50 जो भी आने वाले हैं उनको थोड़ा सा हैंडल करें इस चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है अब हम आपको तैयार करेंगे एज ए टीचिंग, एज ए आपके पास कि भाई आपको एक बोर्ड पे प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, किस तरह से आपका कंटेंट होना चाहिए, एक लेसन प्लान क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आपको ट्रेन करके, और फिर हम सोचते हैं कि भाई ठीक है इनके लिए हम आगे हम रखेंगे स्पेसिफिक चार्ज भी रखेंगे। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक साल भर का पैकेज बनाएं, 1000-2000 रुपये 1500 रुपये उसके एक चार्ज रखेंगे, ताकि एक टीचर एक मेंबरशिप ले हमसे कि ठीक है अगर इन फ्यूचर या इन बिटवीन आपके पास अगर कभी रिक्वायरमेंट होती है तो उनकी फिर हम हर तरह से हेल्प करेंगे। इसके लिए हमने एक टाइम पीरियड भी रखा है, ऐसा नहीं है कि आपने रेज्यूमे डाल दिया और आप सोचे कि ठीक है अब तो साल भर हो गया हमारे को डील रहा, हम उसका एक टाइम लिमिटेड टाइम रखेंगे कि आपके पास 20 दिन में 15 दिन में आपके पास जॉब होनी चाहिए, तो उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा चाहे जहाँ भी कमियाँ आ रही हैं जैसे भी होगा उसके लिए हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। आप में जो भी जितने भी ऐसे कंटेंट होंगे कि भाई फिर वो कॉलेज से लेके होंगे चाहे स्कूल को लेके होंगे चाहे कोचिंग को लेके होंगे, उन सारी कमियों को हम पूरा करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं हम धीरे धीरे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट किया है,
अभी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी कर रहे हैं इसकी, जैसे जैसे रिस्पॉन्स, अभी रिस्पॉन्स भी आने लगे हैं हमारे पास, मेरे पास भी काफ़ी रिज्यूमे आने लगे हैं, तो उनमें भी मैंने भी रिस्पॉन्ड किया है। तो अभी तक तो सिर्फ ऐसा चल रहा है कि आप यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, बाकी फिर बाद में अगर जैसे हम इनको और आगे बढ़ाते हैं तो हम फिर जैसे अभी बड़े बड़े लोग हैं जो कंसल्टेंसी चलाते हैं इस टाइप की, तो वो ऐसे एज ए ब्रोकर रखते हैं कि भाई आप जैसे अगर मान लो आप मेरे थ्रू लगते हो तो उसमें हम आपके पास 1 महीने की सैलरी ऐसे लेते हैं वो लोग कि भाई आपके 12 महीने का 13 महीने का एग्रीमेंट है और 2 साल का एग्रीमेंट है, तो उसमें 1 मंथ सैलरी वो लोग लेते हैं। तो हम ऐसे 1 मंथ का तो करेंगे नहीं, हम एटलीस्ट 15 डेज़ का जो भी आपके पास एक क्राइटेरिया होगा कि भाई ठीक है देखो सूखी लड़ाई तो लड़ी नहीं जाती, उसके लिए हमें भी कुछ भी चाहिए, तो हम भी सारा आपका तैयार करेंगे, सेटअप होगा जो भी होगा, कंटेंट देंगे, टीचर ट्रेंड कराएंगे या टीचर्स बाहर से भी लेके आएंगे कि आप इसको ट्रेंड कीजिए, तो उसके लिए थोड़ा कुछ अमाउंट तो हम भी रखेंगे। तो ललित सर, अब कंक्लूड करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रीशियस टाइम, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपका हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।